अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम मीरा रोड। हम आ चुके हैं मीरा रोड में एट अल हनीफ एग्रो। दोस्तों मीरा रोड पे ही बिल्कुल हाईवे पे आपको ये मंडी दिखाई देगी। सोजत, पतीरा और पीटल तीन नस्ल के बकरे हैं। मलिक भाई से मुलाकात करेंगे हम लोग, लास्ट टाइम भी इनका वीडियो बनाए थे एट अल हनीफ। आइए अंदर चलते हैं, बकरों का जायज़ा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे? तो मलिक भाई, बकरे कभी आ गए हमारे? बकरे आके लगभग 5 दिन हो गए ऐसे भाई जी। तो यहाँ पे थोड़ा बारिश की वजह से हम थोड़ा लेट ये चालू कर रहे हैं। ओके। हाँ, और अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह ये साल, आपने पिछले साल तो हमारा कलेक्शन देखा ही है जी, फार्म के बकरे टोटली, कोई भी बाहर से बकरे ला के दिया हुआ बकरा नहीं है, पूरे फार्म के वैक्सीनेटेड। और पूरे पतीरे हो गए अपने पास, कोटा हो गए, तो ये सब पतीरा है ना? ये सब पतीरा हमारे पास। पतीरा नस्ल के बकरे बहुत कम आते हैं मुंबई में, और वही नस्ल आप लाए मलिक भाई, और सब पाले हुए बकरे घर के? सब पाले हुए बकरे अपने फार्म के। तो मलिक भाई, कुछ बकरे हमने निकाले हैं, कुछ अंदर जाके दिखाएंगे। कौन कौन सी नस्ल के बकरे हमारे पास? अपने पास फिलहाल अभी पतीरे है क्वालिटी में, कोटा है, और सोजत है, काफ़ी हैवी वेट में भी सोजत है, और अलवर बकरे हैं जी, और सिरोही में 2-4 ही है, बाकी मेरे पास सिरोही थे वो निकल चुके हैं। मतलब पूरा कलेक्शन है, पूरा कलेक्शन है अपने पास। अंडुल में भी आप देखने जाएंगे हमारे पास पतीरे निकलेंगे बहुत अच्छे अच्छे। जैसे ये पतीरा है भाई? ये पतीरा है, और हैवी वेट में भी अपने पास पतीरे जी, आप देख सकते हो। माशाल्लाह, ब्रीडर क्वालिटी का बकरा है। तो भाई, यहाँ पर आप ये बकरे नक पे बेच रहे हैं कि वजन पे? पतीरे तो ऑलमोस्ट मैं नक पे दे रहा हूँ, और जिसको जैसे चाहे, जैसे अभी बहुत से कस्टमर की डिमांड है कि वजन से हमें बताओ, वजन से हमें बताओ, तो जिसको वजन से चाहिए हम उनको वजन से देंगे, और जिनको नक से चाहिए हम उनको नक से देंगे। क्या रेट से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास? 22-23,000 से स्टार्ट है, और लगभग समझो ना 50-70-60,000 तक भी है, जो कि 100+ बकरे हैं, मतलब 100 kg प्लस है वो आप दे रहे हैं? हाँ, वो भी हम दे रहे हैं। सही है। तो ये देखें पतीरा की बहुत बेहतरीन जोड़ी है, भाई के हाथ में एक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। लास्ट टाइम भी भाई से मिले थे हम। क्या क्वालिटी थोड़ा बताइए बकरे के बारे में? राउंड फेस में गुलाबी है। वज़न का क्या अंदाज़ है आपका? 75 किलो है। 75 किलो है, बहुत प्यारा बकरा माशाल्लाह। दांतों में क्या है? 4 दांत। 4 दांत पे एक जोड़ी देखें। ये बकरे को थोड़ा आगे लाओ भाई, लंबे कान में हैदराबादी क्रॉस दिखता है। ये हैदराबादी पतीरा क्रॉस है भाई। चेहरा देखो ना, पंच है, पफ है, गुलाबी है, खस्सी है, अंडुल है, पंच किया हुआ। 2 दांत। जिस किसी को भी पालने के लिए रखना उसके लिए बहुत अच्छी, बहुत अच्छा चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है। कान देखो ना, एकदम लंबे कान। वाह, इसको थोड़ा आगे लाओ। दांत दिखा दो एक बार, कितने? 4 दांत। और भी अंदर पतीरे हैं जी, ये तो हमने जो है जो आपको बेस्ट है हमने वो भी बताया, और भी अंदर लगभग और 10 पतीरे। तो अब ये काम करते, थोड़े पीटल देख लेते, थोड़े पीटल में फिर हम अंदर जाके बाकी बात करते। सो बहुत ही शानदार पंजाबी कलेक्शन है मैं बोलूँगा। यस मैं, ये काफ़ी टाइम से अपने फार्म पर ही है, ये छोटे से ला के हमने बड़ा किया हुआ बकरे, ये सब बहुत नायाब कलेक्शन है। पहले मैं जोड़ी की बात कर लूँ भाई, ये क्या डिटेल पे बकरे? वजन है लगभग 75 किलो एवरेज है। दोनों के दांत कितने हैं? 4-4 दांत। हाइट पे कितने होंगे? 42-41 मानते हैं ना। वाइट आइज में दोनों जोड़ी, और बहुत बेहतरीन है। वाह, ये वाली देखो आप, इसमें बहुत बड़ा बकरा है वो पीछे वाला, ये बहुत बड़ा बकरा है। जब हमने फार्म पे वेट किया था सीम भाई, ये 130+ था। अभी यहाँ पे ट्रैवलिंग और यहाँ पे वेदर की वजह से ना थोड़ा सा इसमें वेट लॉस हुआ। और दांतों में पूरा मलिक भाई? दांतों में ही पूरे। क्या चेहरा है देखो आप, पंच फेस, सफ़ेद आँखें एकदम। फ्रेम कितनी बड़ी है इसकी, पैर मजबूत है, और ये एक बहुत यूनिक कलर में मलिक भाई, ये एक यूनिक कलर में हमारे पास बच्चा। ये भी 4 दांत में, इसकी डिटेल समवेयर अराउंड 75 के आसपास। क्या बात, ये सब खस्सी बकरे? ये सब खस्सी बकरे हमारे। ठीक, 4 दांत बहुत अच्छे हैं, जान दो इनको भी। हम बहुत बड़ा बकरा है दोस्तों, ये लेंथ और फ्रेम देखें मलिक भाई, बहुत अच्छे, बहुत अलहमदिल्ला, ये काफ़ी टाइम से हमने इसको ध्यान देके इसको रखा हुआ। तो ये बकरे भी आप जैसा भी है वजन ना, वजन पे ऑलमोस्ट, जिसको अगर नक पे चाहिए उनको नक पे देंगे हम। सही। सो अलवर में इतनी शानदार जोड़ी निकाले भाई ने,
कलर दिखाता हूँ आपके बकरे, ये कलर के बहुत कम बकरे आते हैं भाई। हमारे पास जैसे 15-17 जानवर है। इसका पंच फेस तो हाथ अटाए चेहरे से, देखो पंच देखो इसका। क्या वजन पे होगा ये जानवर? 75-80 है, 85 किलो का। इसके डिटेल्स ऑलमोस्ट 85 है, ये भी चार दांत पे। तो ये बकरे भी पाले थे इस साल अपन? ये भी अपन ने पाले थे। हमने ये साल असीम भाई क्या टारगेट रखा था कि अलहमदुल्ला अपने पास हमेशा सोजात और पतीले हम लोग रखते, तो ये साल हमारा ऐसा था कि हम कुछ 15 बकरे अलवर रखे, 15 बकरे कोटा रखे, 15 बकरे सोजात रखे। तो हमने एक वही ये लेके हम यहाँ पे 5 बकरे तैयार किए। और ये कलर बहुत अच्छा लगा, जिसको भी चाहिए प्लीज कॉन्टैक्ट करें। ये बकरे आपको नग पे और वजन पे दोनों तरीके से मिल जाए, ठीक है। तो बहुत ही एक अच्छी सिरोही जोड़ी देख रहे हैं और बहुत ही यूनिक है भाई, ये बहुत ही यूनिक बकरा है। ज्यादातर आप सिरोही हाइट में देखोगे, ये गोल एकदम, हाँ ये एकदम गोल सीना देखो ना इसका, बहुत मजबूत पैर सीना, पूरा स्ट्रक्चर देखो, बहुत गोल बकरा है भाई। अभी चार दांत किया सिंह, अभी चार दांत किया, ये भी छोटा ही लाए होंगे पालने। बहुत अच्छा बकरा है, सीना देखे आप। और ये एक दूसरा बकरा है, इसका वजन क्या आया था? इसका वजन 90+ था। 90+ जब हमने उतारा था, चार दांत, 2-4 किलो कम दिखा। चलो फिर भी 90-92 जो पकड़ ही लेते हम लोग। और ये एक बकरा है वाइट मुंडी में, थोड़ा ये गुजरी क्रॉस में, माशाल्लाह ये भी अच्छा बकरा है। तो सिरोही कम है ना? सिरोही अपने पास कम है, सिरोही आए थे असीम भाई, तो जैसे अपने बकरे यहाँ पे उतारे ना, तो यहाँ पे सिरोही की सेलिंग थोड़ी सी फास्ट थी, तो सिरोही हमारे ऑलमोस्ट निकल चुके। अभी ये 4-5 नग बचे, हाँ ये 4-5 नग हमारे पास सिरोही बचे रहेंगे, बाकी हमारे पास सोजत, पतीरे, अलवर और कोटा काफ़ी है, ठीक है एट द टाइम। तो ये एक जोड़ी और देख लिए, और एक दो जोड़ी देखेंगे, देन आपको अंदर ले जाएंगे बाकी बकरे दिखाएंगे। तो कोटा खस्सी का इतना बेहतरीन कलेक्शन मलिक भाई मुंबई में, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये साल। अल्हम्दुलिल्लाह अपना तो नहीं, मतलब हमारा टारगेट ही ये था असीम भाई के, ये साल क्वालिटी चीज़ लेकर आए, सब बने हुए सिंह के मजबूत, इतनी बड़ी फ्रेम के बकरे हैं, भराई के बकरे दिखते हैं भाई ये सेल्फ फीडिंग पे। हाँ मैं बोल रहा हूँ भराई के दिखते हैं, दिखते हैं यार, भराई तो आप लोग नहीं करते हो। आपके बकरे से चालू करूँगा, बहुत अच्छा कलर है, कान देखो वाह। वजन क्या होगा भाई? वजन है 90 किलो। 90 किलो, सिंग भी अच्छी है, फ्रेम अच्छा है, कलर भी अच्छा है माशाल्लाह। और भाई का बकरा, इसके क्या डिटेल है? ले लो आगे लो उसको, क्या बात है, डबल कलर, मल्टी कलर, वाइट एंड ब्राउन, वाह। क्या वजन होएगा? 95-95 ये वजन है भाई इनके, जो भी मतलब आपका भाई दिखोगे वो 80+ में ही है। अच्छा ये लॉट में, ये लॉट में जो भी आप देखोगे वो 80+ में है। ये कारोली कोटा बोलेंगे ना? हाँ इसको कारोली कोटा बोलेंगे। कान भी बहुत लंबे हैं इसके, वाह वाह, क्रॉस करो फ्रेम देखो, वाह शॉर्ट हाइट लेकिन बहुत बना हुआ बकरा। ये वाला बकरा भाई, ये वाला लगभग 80+ ही है असीम भाई, 80 के नीचे तो है, बहुत बड़ा लंबा है, फ्रेम अच्छा है इसका, फ्रेम और आप देखोगे कि कलर हर साइड से, आप चेहरा भी एकदम डेंजर है माशाल्लाह। ये सब पंच बकरे हैं, सब खस्सी हैं, ठीक है। तो ये पूरे बकरे नग पे वजन पे, जैसे हाँ जैसे अगर कस्टमर बोला कि हमको वजन पे चाहिए उनको वजन पे देंगे, जिनको नग पे चाहिए उनको नग पे देंगे, माशाल्लाह बेहतरीन कलेक्शन। अभी आपको कुछ हमारे जो अंडुल का कलेक्शन है वो बता देते हैं, सही है। हाँ फिर इसके बाद आप एक पूरा अंदर का टूर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सो दोस्तों सोजत बकरे, जिसमें काफ़ी अच्छी नस्ल के बकरे देखेंगे हम लोग। मलिक भाई सोजत तो मेन ब्रीड है आपके यहाँ पर, और ये आपके यहाँ पर ज़्यादा पलते हैं। हाँ। ये बकरा इतनी बड़ी फ्रेम का है, क्या वजन पे है? ये लगभग 100+ है असीम भाई, जब हमने इनको फार्म पे वेट किया था ये 115 kg पे थे, यहाँ पे आने की वजह से हो सकता है 5-7 किलो कुछ वजन थोड़े हो बकरे, बहुत बड़ा बकरा है माशाल्लाह, घोड़े जैसा है, क्या बात है। और भाई जान इसके बारे में बताइए, इसका वजन है असीम भाई 115 किलो। 115 किलो का बकरा, अभी भी आप अगर देखेंगे इसकी चमड़ी एकदम लटक रही है, बहुत अच्छा बकरा है, फ्रेम देखो आप, 115 kg। तो ये एक साल पाले हुए बकरे रहते हैं कि आप बड़े ही खरीदते हैं? दो साल के बकरे होते हैं इतने बड़े? हम लोग एक साल पहले लाए थे। तो आप लाए रहेंगे जब ये 50 किलो तक होएंगे? 60 किलो का बकरा, 60 किलो के बकरे। तो ये बड़े बकरे कितने हैं अपने पास मलिक भाई? बड़े बकरे अपने पास 6-7 है, ऐसे। और जो मीडियम रेंज के है वो जो
75 से 80 के बहुत बकरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये दो बकरे भी देख लेते हैं जो पीछे हैं। चलिए इनको डाल दो। ये सोजत में असीम भाई जो है ये गुलाबी में है बकरा, ये पूरा आप देखोगे स्किन से लेके कान से लेके मासूम चेहरा होता है, चेहरा वाला है, और ये चार दांत पे है ऑलमोस्ट। बात लंबा भी अच्छा है, लेंथ भी अच्छी है, जो पहले बकरा देखे थे वैसा बन जाएगा, रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बन जाएगा, एक साल में ये वैसा बन जाएगा। वजन का अंदाजा क्या आप? ये अराउंड 75 अप 80 पकड़ो आप, 75 से 80। माशाल्लाह बहुत अच्छा गुलाबी बच्चा है। और भाई ये वाला ये भी ऐसे ही है, गुलाबी है, इसका वजन भी सेम होएगा 75। तो ये जोड़ी में देना है कि अलग अलग भी दे देंगे? अलग भी दे देंगे, तो अगर जोड़ी में चाहिए उसको जोड़ी में दे देंगे, जिसको अलग अलग चाहिए उसको अलग अलग दे देंगे। ठीक, तो ये सोजत भी देख लिया, बंडुल देख लेते हैं। हाँ बंडुल देखते हैं दोस्तों, बहुत खतरनाक कलेक्शन है अंडुल का इनके पास। आप चेक करें बकरा, चेहरा देखो आप, इसकी आँखें, कान भी देखें, सिंह पीछे मुड़ी हुई है, पंच फेस में। एज अ ब्रीडर भी आप खरीद सकते हो। क्या वजन पे है वो बकरा? है 75। और दांत में कितना है? चार दांत लगाया है। चार दांत पे ही है, बहुत अच्छी क्वालिटी का बकरा है, छोड़ नहीं सकते, बहुत एग्रेसिव भी है माशाल्लाह। ये भी बाप रे, ये भी पतिरे में ही है अपने पास भाई, पतिरा अंगूरी बोल सकते हैं। क्या जो गला है और पट्टी और झालर देखो, ये ब्रीडिंग पर्पस भी अगर कोई रखना चाहता है तो इसको रख सकते हैं। पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देखो आप, थोड़ा वहाँ से बाहर लीजिए इसको, वाह पूरा फ्रेम देख लो, यहाँ पर लाइए थोड़ा, बस माशाल्लाह नंबर वन कलेक्शन है भाई। अब इसकी झालर देखोगे, अभी भी झालर, मज़ा आ गया भाई। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे चेहरे में, ये भी पतीरे में, ये भी पतीरे में अपने पास शॉर्ट साइज है। हाँ ये शॉर्ट साइज में, वेट भी थोड़ा सा कम है, जिसको अगर छोटे में अगर अंडूल में अच्छा खूबसूरत बकरा चाहिए वो इसके लिए जा सकते हैं। बहुत खतरनाक बकरा माशाल्लाह। क्या वजन हो गया एक अंदाजा? अराउंड 65 70 70 तो पकड़ के चलिए ना, बहुत ज़बरदस्त। जी भाई, सबसे मेन चीज़ है असीम भाई, हम लोग जो भी फार्म पे अपने काम कर रहे हो क्वालिटी को लेके बहुत जी काम कर रहे। ये भी शॉर्ट साइज है यार। हाँ ये भी शॉर्ट साइज है, तो बराबर जोड़ी बनेगी। इसका भी झालर देखो, वाह थोड़े दिन में ज़मीन पर लटक जाएगा, वो तो बेल्ट लगाए तो भी इतना दिख रहा है, बहुत माशाल्लाह सीन है, मज़ा आ गया। क्या जोड़ी दिखाया आपने, बहुत ज़बरदस्त हाइट पैड है यार, हैदराबादी पतीरा, हैदराबादी पतीरा क्रॉस। ये सबसे मतलब एग्रेसिव बकरा हम लोग के फार्म का ही है, एकदम सफ़ेद हाँ, गला पट्टी सबकी रहती है आपके यहाँ। ये हमने इसको इतना ट्राई किया कि साफ रखने की मटी है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो पूरी मार्बल सिंग है मार्बल को, लेकिन मुंबई का क्लाइमेट वो हिसाब से सबसे ज़्यादा एग्रेसिव बकरा है। तो ये सारे बकरे फॉर सेल हैं, देने हैं, जो भी भाई इंटरेस्टेड होगा प्लीज़ कांटेक्ट करें। मज़ा आ गया, फुल गुलाबी है। सो दोस्तों, अल हनीफ एग्रो, हम लोग ने काफ़ी बकरे बाहर देखे, अभी हम लोग अंदर जाके बाकी बकरे देख लेंगे। एंड मलिक भाई, एक अंदर जाने से पहले यहाँ का एड्रेस बता दो आप। यहाँ पे आप अगर टूअर जी आवाज़ के लिए, जी जी कोई ये मीरा रोड में पड़ता है, ये काशी मीरा से पहले आता है एरिया जी। इसे आप किसी को भी आप पूछोगे, अमर पैलेस होटल के आगे मेन हाईवे पे जहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है, थोड़ा दिखा दूँगी इस तरह। हाँ आप ये दिखा दो उनको, जो ये हाईवे जो भी अपने भाई जो बॉम्बे साइड से आ रहे हैं उनको चेकना का क्रॉस करना है। चेकना का क्रॉस करने के बाद आपको ब्रिज नहीं चढ़ना है, जो वसई विरार के लिए ब्रिज जाता है वो ब्रिज नहीं चढ़ना है। चेकना का क्रॉस करते ही उनको ब्रिज के नीचे से आना है। नीचे से आते ही लेफ्ट साइड में आप दिखोगे कि रोड पे ही बहुत हॉटस्पॉट पे है, और काशीमीरा से एग्जैक्टली कहे आप अगर जूम करके बताओगे तो काशीमीरा सिग्नल थोड़ा सा आगे ही वहाँ पर है। यहाँ ये जो है जो एंड यहाँ पे है ये काशीमीरा का मेन रोड, सही है। उससे पहले ये बोर्ड दिख जाएगा आपको अल हनीफ एग्रो, आइए अंदर चलते हैं। चलिए सो दोस्तों, यहाँ पर आने का फ़ायदा ये है कि आपको हर ब्रीड का बकरा वो भी क्वालिटी वाला मिल जाएगा। रेट तो भाई ने बता दिया स्टार्टिंग रेट,
स्टार्टिंग फ्रॉम 23-24,000 इट गोज़ टू 50,000 and 60,000 ऑल्सो। इसमें 100 kg plus के बकरे हैं, यूनिक बकरे हैं, सोजत है, कोटा है, मतलब हर नस्ल आपको मिल जाएगी। तो अगर आप आएंगे तो आपका ये फ़ायदा है, यहाँ से आराम से बकरे लेके जा सकते हैं। मलिक भाई का लास्ट टाइम भी हमने वीडियो बनाया था, ये माशाल्लाह अच्छे रेट्स में बकरे देते हैं लोगों को और क्वालिटी बकरे देते हैं, सब वैक्सीनेटेड हैं और इनके घर के बकरे हैं। सो ये पूरे बकरे यहाँ पर अवेलेबल है, सब बकरे आराम कर रहे हैं, फिर भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। आइए, कुछ पतीरा हैं यहाँ बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। माशा ये छोटा बच्चा है, बहुत अच्छा है भाई, बैठे तो बैठने इट्स ओके, आराम कर रहा है। लेकिन कलर भी देख लें आप और सिंग भी देख लें उसका, ठीक है। और यहाँ देख लें तो मीडियम रेंज के बकरे भी हैं, वाइट आइज में जैसे बकरा है ना। लोग भी काफ़ी आते होंगे क्योंकि मेन रोड पे ना, कि यहाँ पे फुटफॉल, ये जो मेन रोड पे इसका बेनिफिट ये है कि असल में यहाँ पे फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है। हमने जैसी गाड़ी उतारी ऑलमोस्ट हमारे पहले गाड़ी का जो लॉट था उसमें से आधे हमारे सेल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक भाई सिर्फ साल में बकरे पलवाते हैं, अंदर ईद में ही बेचते हैं, हाँ, है ना, ठीक है। मलिक भाई एक बार आप अपना नंबर बता दें प्लीज़। मेरा नंबर असीम भाई 8108143786। ये मलिक भाई का नंबर है, जिसको भी कॉन्टेक्ट करना हो एड्रेस के लिए तो कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप लोग अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।